So hello and welcome everyone to this market outlook session. In this session, we are going to discuss about Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow and few stocks that we have kept in our watch list for tomorrow's trading session. So let us start. First of all, we will read the data and know what is our trading plan for tomorrow. So market participants' views as per the data. The clients are bearish on the opening, but they are overall bullish on the markets. FII is bullish on the opening, but overall bearish on the markets. Pros are bullish on the opening, but overall bearish on the market. So the conclusion is starting can be positive, but it will be a sell on rise market. तो अगर एज इट इज डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है तो पहले हम आपको वो बताएंगे कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग विल बी पॉजिटिव। तो मार्केट क्लोज हुआ 18,232 पे। अगर स्टार्टिंग पॉजिटिव होती है और मार्केट फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर आता है तो डेफिनेटली इट कैन टेक अ गुड रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था एंड वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया उस लेवल को, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने कोशिश की थी उस दिन भी, उसके बाद वी सॉ अ गुड डाउनफॉल। अगेन जब अब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगा तो इट विल बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट्स। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस जोन से रिजेक्शन लेता है देन इट विल बी अ रियली गुड एरिया टू सेल द मार्केट्स। तो ये होता है हमारा पहला ट्रेडिंग प्लान। नाउ लेट अस कंसिडर कि मार्केट पहले से ही गैप अप खुल जाता है। तो अगर गैप अप खुल रहा है अराउंड दिस लेवल देन ऑल्सो वी कैन प्लान आर शॉर्ट ट्रेड्स। अगर कोई ओपनिंग ट्रेड्स लेने में थोड़ा फियरफुल रहता है, डरता है कि ओपनिंग में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ हाई वॉलिटिलिटी, तो आप एक बियर कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो कल के मार्केट्स के लिए। बियर कॉल स्प्रेड बहुत आसान रहेगी और बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके लिए, बिकॉज आपको बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ेगा मार्केट। बीच बीच में भी आप अगर ट्रैक करोगे अपनी पोजीशन को तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग वाली जो पोजीशन होती है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा डर ज्यादा लगा रहता है, बिकॉज यू हैव टू कीप वन फिक्स्ड एसएल ऑन योर ट्रेड और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाती है तो आप ट्रेल करते हो तो वो एक एक्टिव ट्रेडिंग हो जाती है। बट अगर आपको थोड़ी सी पैसिव ट्रेडिंग करनी है तो देन यू कैन मेक अ बियर कॉल स्प्रेड। अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप हो रहा है, फ्लैट भी खुल रहा है, तो आप आराम से एक बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हो। लेट अस डिस्कस द थर्ड सिनेरियो इन विच की मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है। अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन हो जाता है तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि पहले वो रिकवर करेगा, गैप को फिल करेगा और या तो गैप से रिवर्स करेगा वापिस से या फिर इस लेवल से रिवर्स करेगा जो कि हमारी रेजिस्टेंस है 18,260। तो अगर गैप डाउन हो रहा है इमीडिएटली आप एक बियरिश पोजीशन बनाना चाहते हो देन अगेन आई वुड रिकमेंड यू टू मेक अ बियर कॉल स्प्रेड। थोड़ा ऊपर आता है, गैप फिल करता है या फिर 18,260 तक जाता है तो फिर आप और ऐड कर सकते हो शॉर्ट्स पोजीशन में। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग प्लान कर रहे हो और गैप डाउन हो जाते हो तो देन आपको वेट करना होगा कि गैप फिल करे, या तो यहाँ से रिवर्सल ले या फिर इस रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले। दोनों ही केस में फिर आप ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हो। तो इफ यू वॉन्ट नो कि कैसे आपको बियर कॉल स्प्रेड पोजिशन बनानी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइजेस उसमें यूज करनी चाहिए स्प्रेड में, तो इट इज क्वाइट ईजी। आप आराम से हमारे इस व्हाट्सएप सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम से। हमारी टीम आपको बताएगी कि बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है कल लाइव मार्केट। नाउ लेट अस स्टॉप स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। तो एज वी कैन क्लियरली सी बैंक निफ्टी हैज क्लोज नियर 43,425। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है 43,500, 43,600। ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से जो मैंने चार्ट्स पे मार्क कर रखी है अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो देन डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर शॉर्ट्स और ये ट्रेड आप ऑप्शन बाइंग से भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग करके भी आप ये ट्रेड ले सकते हो। इन केस की अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है या फिर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और फिर कंसोलिडेट करके फिर वापस से अंदर आता है तो भी आप एक ऑप्शन बाइंग के थ्रू ट्रेड में जा सकते हो। बेस्ट तरीका ये भी है कि अगर आप थोड़ा पैसिव ट्रेडिंग करना चाहते हो कल और आराम से स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो तो देन आप एक बियर कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में भी बना सकते हो एंड आराम से उसको होल्ड कर सकते हो। तो कभी कभार क्या होता है ओपनिंग में आप देखते हो कि एक इंडेक्स तो ब्रेकआउट दे देती है बट दूसरी नहीं दे पाती। लेट अस सपोज कल भी ऐसा हो जाए कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे दे एंड निफ्टी हमें ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर निफ्टी हमें ब्रेकआउट दे दे और बैंक निफ्टी हमें ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो जब ऐसे इंडाइसेस को रिलेट नहीं कर पाते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी आपको ब्रेकआउट दे देती है बट निफ्टी नहीं दे पाती है तो
इट विल इंडिकेट कि ये ब्रेकआउट भी फेक हो सकता है बैंक निफ्टी पे। इन दैट केस मार्केट आपको यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा अबव द रेजिस्टेंस लेवल, एंड लेटर ऑन जब वो अंदर आ जाएगा वापस से रेजिस्टेंस पे, तो बहुत ही शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में अगेन। तो ऐसे भी आप ट्रेड्स ले सकते हो कि जब आपको क्लैरिटी मिले कि अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया तो आप तब शॉर्ट ना करें, जबकि वो वापस अंदर आए उस ब्रेकआउट को फेक आउट कर दे तब आप उसमें एंटर करें। तो ये भी एक तरीका होता है एंट्री का, इसीलिए समझा रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश होती है जब मार्केट स्टार्ट होता है और निफ्टी नहीं होती, तो इसी वजह से मैं ऐसा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर ऐसा भी कोई सिनेरियो आ जाता है कल तो आप उसको ट्रेड कर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्टिंग कैन बी पॉजिटिव, तो स्टार्टिंग हो सकता है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हो जाए और निफ्टी में ना हो, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी में एक पॉजिटिव स्टार्ट हो जाए बट बैंक निफ्टी में ना हो। तो ऐसे सिनेरियोज भी हमको देखने को मिल जाते हैं लाइव मार्केट में, इसीलिए सारी चीजें समझा रहा हूँ ताकि अगर कभी भी लाइव मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए तो आप उसको ट्रेड कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के मार्केट के लिए, प्लान हमारा सेलिंग ही रहेगा बिकॉज मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। अगर गैप अप हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है बिकॉज ऑलरेडी हमको एक राइज मिल जाएगी सेल करने के लिए। अगर फ्लैट खुलता है तो भी हम आज के हाई से या फिर थोड़ा ऊपर जाने पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर आज की क्लोजिंग प्राइस या आज का हाई ये बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस हो सकती है कल के मार्केट के लिए। एक बार देख लेते हैं यूएस मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट्स काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे थे दिन में, बट राइट नाउ इफ वी विल सी तो यूएस मार्केट्स थोड़ा सा कोलैप्स हो गए हैं हायर लेवल से। एक समय पे डाउ फ्यूचर्स वर ट्रेडिंग मोर देन +300 पॉइंट्स एंड नैसडेक भी काफी अच्छा ट्रेड कर रहा था, बट राइट नाउ सारे ही अमेरिकन इंडाइसेस रेड में ट्रेड कर रहे हैं। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मार्केट है तो फ्लैट खुलेगा या थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल सकता है अगर अमेरिकन मार्केट्स उतना अच्छा क्लोज नहीं होते हैं तो। आज अगर एक ठीक ठाक क्लोजिंग आ जाती है लास्ट में रिकवरी होके तो देन मार्केट्स माइट ओपन फ्लैट और अ लिटिल बिट गैप अप एज वेल बिकॉज क्लोजिंग अच्छी रही थी मार्केट। एक बार थोड़े स्टॉक्स आपको बता देता हूँ जो हमने पोस्ट किए हैं अपने फ्री टेलीग्राम पे, सो इफ यू आर नॉट ऑन आवर फ्री टेलीग्राम मेक श्योर दैट यू ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने दो तीन स्टॉक्स पोस्ट किए हैं आज। फर्स्ट स्टॉक इज इंडियन होटेल्स, इंडियन होटेल्स आप देख सकते हो बहुत ही की रेजिस्टेंस लेवल के पास एक क्लोज हुआ है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है अच्छे से तो देन इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट एज वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट थोड़ा सेल ऑन राइज रहने वाला है, तो अगर ये कल यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है तो देन इट विल बी अ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुमोरो। ये चार्ट है एशियन पेंट्स का डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर आज का ये लो तोड़ देता है तो काफी अच्छी इसमें शॉर्ट भी हम प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका लो है, अगर यहाँ से एक रिवर्सल देता है तो भी हम इसको बाइंग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है और हमको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो हम उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। आर थर्ड स्टॉक इज फेडरल बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सपोर्ट हमने आपको भेजा है दिखाया है यहाँ पे फेडरल बैंक के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट बन रहा है। जैसा कि हमने प्लान किया कि कल मार्केट सेल ऑन राइज रहने वाले हैं, तो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बेयरिश रहती है एंड फेडरल बैंक इस लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं इसपे एक सेलिंग साइड पे ट्रेड। तो दिस इज आर ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू।